महाराष्ट्र में कल से उद्धव राज शुरू हो जाएगा और उससे पहले आज महाराष्ट्र विधानसभा में नए विधायकों को प्रोटेम स्पीकर कालिदास कुलंबकर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विशेष सत्र के शुरू होने से पहले विधानसभा के गेट पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने विधायकों का स्वागत किया। वापस शरद खेमे में अजीत पवार को लगे गले लगाकर यह संदेश दिया कि पार्टी और परिवार में सब कुछ ठीक है। सुप्रिया सुले ने आदित्य ठाकरे का भी गर्मजोशी से स्वागत किया। विधानसभा जाने से पहले आदित्य ठाकरे ने सिद्धि विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। उद्धव ठाकरे कल शाम 6:40 पर सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं मुंबई के शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राज्य में एनसीपी और कांग्रेस से 2 डिप्टी सीएम होंगे और 3 तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह की तस्वीरें, जो विशेष सत्र महाराष्ट्र विधानसभा का बुलाया गया था उसके बाद ये 3 तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर जहां पर वापसी करके लौटे अजीत पवार और सुप्रिया सुले ने गले लगाकर पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये तस्वीर अपने आप में कहीं ना कहीं ये तय कर देती है कि जो गिले शिकवे थे वो कहीं ना कहीं खत्म हो गए हैं। दूसरी तरफ जब आदित्य ठाकरे वहां पर पहुंचे तो उनका भी स्वागत किया गया क्योंकि अब रिश्ते परवान चढ़ रहे हैं, नए रिश्ते यहां पर बन रहे हैं। और तीसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने काफी नाटकीय अंदाज में शपथ ली और उसके बाद कल इस्तीफा भी दे दिया, तो उनसे भी हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया। दादा तुम्ही राष्ट्रवादी काम करणार आहात का? मी कब बाहेर गया? दादा तुम्ही राष्ट्रवादी पुढे काम करणार आहात का? मी कब बाहेर गया? You have to be the part of the government and how this from here, how things will go? Why not? You know, he has got experience. He has worked from at a very low level. So he knows how a government works. And I'm sure going forward, we'll work under his guidance. मुख्यमंत्री उद्धव जी बनेंगे, इतना डिसीजन है, वो कल शपथ विधि लेंगे। और वो शपथ लेने के बाद बाकी कितने लोग उप मुख्यमंत्री होंगे, कौन होगा मंत्री, कौन होगा, इसके बारे में कोई अभी तक तय हुआ नहीं। अभी वो डिस्कशन शुरू होगा। हमारा संख्या बल नहीं हुआ और शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, उनकी अब सरकार बनने जा रही है तो उद्धव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, हमारी उनको देखिए घटनाक्रम बहुत उचित नहीं था जिस प्रकार से चीजें हुई। संविधान दिवस के दिन हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक नज़ीर पेश की और उसके मद्देनज़र इस्तीफों की वहाँ बारिश हो गई, तो एक जो जिनके पास आंकड़ा था वो सरकार बनाने जा रहे हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। किसानों की जो बदहाली है वो उनकी प्राथमिकता में सबसे पहले शामिल हो, ऐसी उम्मीद है।